हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही टेस्टी सी मूंगफली की बर्फ़ी अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे और अगर आप अपने भैया के लिए बना के ले जाएंगे रक्षाबंधन पर तो वो बहुत ही खुश होने वाले हैं तो आप इस तरह से पीनट रोल ज़रूर बनाइएगा रक्षाबंधन पर अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपी डेली डेली मिल सके इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतनी लाजवाब लगती है कि बस पूछो ही मत घर पे ही पीनट से बहुत टेस्टी ये मिठाई बनाइएगा इसके लिए मैंने छिलके वाली मूंगफली ले ली है मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है और उसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा इसका जो छिलका है वो हट जाएगा तो हमें एक्चुअल में इसका छिलका ही हटाना है तो अच्छे से इसे इस तरह से चलाते हुए दो से तीन मिनट मैंने इसे चलाया है तो दो से तीन मिनट में आराम से ये सीख जाएगी और इसका जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा और छिलका भी हमें निकालना है तो अच्छे से गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है अब मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इसे निकाल लिया है एक बड़े से बर्तन में में। इस तरह से बड़े से बर्तन में निकाल के इसे करना है ठंडा फिर ठंडा होने के बाद हाथ में इस तरह से इसे मसलते हुए इसका जो छिलका है निकालना है आराम से निकल जाएगा इसे निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होगी तो हमने जो इसे रोस्ट किया है तो उसी से ये फटाफट निकल जाएगा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसका छिलका निकाल के कर लिया है तैयार तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ मूंगली निकाल ली है अब करना क्या है एक मिक्सर लेना है और उसमें सारी मूंगफली हमें डाल देनी है और इसे एक से दो बार चलाते हुए हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है फ्रेंड्स इस जगह आप ध्यान रखिएगा जब आप इसे मिक्सी में डाल के पीस रहे हैं तो लगातार नहीं चलाइएगा रुक रुक के चलाइएगा वरना आप अगर लगातार चलाएंगे तो इससे ऑयल निकल सकता है तो आपको क्या करना है बस धीरे धीरे चलाना है रुकना है चलाना है रुकना है चलाना है और फिर अच्छे से इसे छान लेना है छानने से क्या जो बड़े दाने हैं वो हट जाएंगे तो छान के भी तैयार कर लिया है अब मैंने एक पैन के अंदर डाला है दो ग्राम चीनी अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप हल्का सा कम कर सकते हैं वैसे जो ये माप मैंने बताया है वो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट है 200 ग्राम चीनी डाल दी है उसी के साथ आधा ग्लास पानी डाला है और फिर मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर और अच्छे से इसकी चिपचिपी से हमें चाशनी बना लेनी है तो इस तरह से मैंने इसे बॉयल करते हुए चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर ली है हल्का सा जब आधा तार आए तब ये परफेक्ट चाशनी है अब मैंने इसमें डाला है गुलाब जल गुलाब जल से क्या होगा जो मूगफली है उसका टेस्ट थोड़ा सा हट जाएगा और बहुत ही अच्छा गुलाब जल का इसमें टेस्ट आएगा तो ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा नहीं हो तो भी चलेगा जो तो मूँगफली का पाउडर बनाया था वो हमें इसमें धीरे धीरे करके डालना है और अच्छे से एक हाथ से मिक्स करते जाना है तो आप देख सकते हैं सारा मूंगफली का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से इस तरह से कर लिया है मैंने मिक्स हल्के हाथ उसे से चलाते जाना है फिर मैंने इसमें डाला है आधा बाउल भर के मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा फिर से इसे चलाते जाना है और धीरे धीरे देखेंगे आप ये थिक होने लगेगी तो इस स्टेज पे जब ये हल्का थिक हो जाए हमें डालना है इसमें एक चम्मच भर के देसी घी देसी घी डाल के फिर से मिक्स कर दिया है और गैस की फ्लेम ऑफ की है और ये हल्का ठीक हो चुकी है बस अब इसी स्टेज पे हमें इसे दो कलर की बनानी है इसलिए मैंने आधा आधा कर लिया है आधा पेस्ट प्लेट में निकाला है आधा मैंने अभी उसी में रहने दिया है तो जो प्लेट में निकाला है उसमें हमें डालना है ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाली है बारीक कटी बादाम बारीक कटे काजू और मैंने इसमें चिरौंजी डाली है और आधा छोटा बाउल भर के कोकोनट पाउडर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स ये जो हम बना रहे हैं ये हम अंदर रखेंगे मतलब बर्फ़ी के अंदर फिलिंग होगी आप एक पन्नी लेनी है उस पर डालना है देसी घी और अच्छे से सारा पेस्ट डाल के इसे मेज कर लेना है मतलब इस तरह से इसे मसल मसल के चिकना कर लेना है तो अच्छे से इसे इस, इस तरह से गरम गरम को ही मसलना है फ्रेंड्स ध्यान रखिए ठंडा होने के बाद ये नहीं होगा तो आपको ये काम थोड़ा जल्दबाजी में करना होगा इस तरह से मैंने इसे मसल मसल के कर लिया है चिकना और फिर एक रोल बना दिया है और फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है उसके लिए सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा और फिर अच्छे से मैंने इसे रोल बना के कर लिया है तैयार तो ये काम झटपट ही करना है अब जो दूसरा पेस्ट बचा है उसमें डालेंगे कोको पाउडर आप चाहे जो कलर बना सकते हैं मुझे ये ही कलर पसंद था तो मैंने ये ही बनाया है आपको जो कलर पसंद हो उसकी आप बना सकते हैं अब इसी को भी सेम हमें पन्नी पे डालना है घी डाल के और इसे भी अच्छे से मसल मसल के कर लेना है चिकना ताकि ये चिकनी होगी तो हमारी जो बर्फ़ी है बहुत टेस्टी बनेगी मतलब पीनट रोल बहुत ही टेस्टी बनेंगे अच्छे से इसे गरम गरम को ही पन्नी के साथ चिकना कर लेना है फिर पन्नी के अंदर इसे डाल के अच्छे से इसे बेल लेना है तो अच्छे से मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है हल्की सी इसकी किनारियाँ फटेगी तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स अच्छे से इसे बस हमें पतला बेल लेना है तो मैंने इसे पतला बेल के कर लिया है तैयार अब जो रोल, तो रोल से से पन्नी उठानी है बस और अच्छे से घुमाना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ये टूटेगा भी नहीं आराम से बन जाएगा रोल अच्छे से मैंने इस तरह से, से दबाते हुए इसका रोल बना लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रोल बना है अब हमें करना क्या है जो रोल की किनारियाँ हैं उसे अच्छे से दोनों तरफ से टेप करना है और उसी पन्नी के अंदर आप चाहे तो इसे पैक करके आधे से एक घंटे के लिए फ़्रिज में रख सकते हैं चाहे तो बटर पेपर में लगा के रख सकते हैं मैं उसी पन्नी के अंदर इसे पैक करके फ्रिज में रख रही हूँ तो मैंने आधे से एक घंटे के लिए रखा था अब इसकी कटिंग करेंगे तो हल्की सी जो किनारिया है पहले उसे काट के हम साफ़ कर लेते हैं अब इसकी बहुत ही शानदार मैंने इसकी कटिंग की है आप चाहे तो पतले पीस बना सकते हैं चाहे तो मोटे मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कटी है और बहुत से ही अच्छे से ये सेट हुई है तो हमारी पीनट रोल बन के बहुत शानदार तैयार है अब आप चाहे तो इस पर इस स्टेज पे आप रोल पे लगा सकते थे चांदी का वर्क मैंने नहीं लगाया मैं इसे पिस्ता कतरन से गार्निश कर रही हूँ तो बहुत सुंदर दिख रही है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा अब मेरे पास एक इस तरह से मिठाई का डब्बा था तो मैं उसी के अंदर इसे सेट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे सेट करके अपने भैया के लिए ले जा सकते हैं रक्षाबंधन स्पेशल फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे रक्षाबंधन पे बनाएं या किसी और फेस्टिवल पे भी आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू